दोस्तों, क्या आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करके या फिर ट्रेडिंग करके पैसे कमाना चाहते हैं? तो आपको जरूरत होगी एक एप्लीकेशन की जिसका नाम है WazirX। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप WazirX में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके या फिर ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर मैं आपको WazirX सजेस्ट कर रहा हूँ तो क्या मैं खुद भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए WazirX का इस्तेमाल करता हूँ? तो आंसर है हाँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने भी कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे जिसका मुझे बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिला। अब रिटर्न कितना मिला वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो YouTube चैनल। दोस्तों, अगर आप WazirX में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अकाउंट ओपनिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको सिंपली क्या करना होगा, उस पर क्लिक करना होगा और साइन अप करना होगा। और साइन अप करते वक्त आपको एक रेफरल कोड की जरूरत पड़ सकती है, तो वो रेफरल कोड भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से लेके उसको यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, WazirX में अकाउंट ओपन करने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, जैसे कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, पैन कार्ड का फोटो खींच के रखना है, आधार कार्ड के फ्रंट का और बैक का फोटो खींच के रखना है। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपना एक सेल्फी लेना है आधार कार्ड के साथ, तो उसका भी फोटो आपको खींच के रख लेना है। तो ये तीन डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो जब हम अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको सिंपली ये तीन फोटो अपलोड करने होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे जिसके बदले में मुझे कितना रिटर्न मिला। तो चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं। दोस्तों, मैं अपने WazirX के अकाउंट में आ चुका हूं। आप लोगों को दिखाने के लिए ऊपर की तरफ जो सेटिंग का ऑप्शन है इस पे मैं क्लिक कर देता हूं। और आप यहां पे देख सकते हैं मेरा नाम यहां पे दिया गया है, रजनीकांत ओमप्रकाश शर्मा। मेरा पर्सनल ईमेल आईडी भी यहां पे दिया गया है। सो दोस्तों, ये मेरा अकाउंट है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा अभी करंटली जो मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू है वो है 13,253 रुपए और 21 पैसा, जिसमें से 5,037 रुपए और 17 पैसे मेरे वॉलेट में पड़े हुए हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पे वॉलेट में इतना अमाउंट दिखाई दे रहा है, इसको मैं विड्रॉ कर सकता हूं। अब दोस्तों, ये पैसा जो है वो मेरा पूरा प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट मैंने कैसे बुक किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए मुझे क्लिक करना होगा ऑर्डर्स के ऊपर। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर की तरफ 27 अक्टूबर को मैंने यहाँ पे सिबा INU सेल किया था 5,000 रुपए का। और कितने कॉइन सेल किए थे वो भी आप ऊपर देख सकते हैं, 8,33,333 कॉइन मैंने सेल किए थे। प्राइस नीचे दिखाई दे रहा है। ये मैंने कब बाय किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे 20 मई को मैंने बाय किया था और मैंने 1,000 रुपए का बाय किया था। उस टाइम मुझे कितने कॉइन मिले थे, 11,62,790 कॉइन मुझे मिले थे, जिसके अंदर से मैंने 8,33,333 कॉइन बेच दिए 5,000 रुपए में। मतलब मैंने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया और 5,000 रुपए के कॉइन मैंने बेच दिए। और अगर मैं आपको करंट का दिखाऊं तो मेरे पास 3,29,457 कॉइन है, जिसका अभी करंट वैल्यू है 1,877 रुपए और 57 पैसे। मतलब दोस्तों, मैंने 1,000 रुपए का इन्वेस्ट किया, उसमें से 5,000 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया और अभी भी 1,882 रुपए और 51 पैसे हैं। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में बहुत अच्छा पोटेंशियल है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो WazirX एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और उस पर आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपने देख लिया, मैं भी WazirX का प्लेटफॉर्म यूज करता हूं क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप भी अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने अकाउंट ओपनिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, साइन अप करना है। और साइन अप करते वक्त अगर आपको रेफरल कोड की जरूरत पड़ती है तो रेफरल कोड भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप लेके यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं कि कैसे आप WazirX में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जो WazirX का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया है उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। आप नीचे की तरफ देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आइदर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल क्रोम में ओपन कर सकते हैं। सो मैं सिंपली यहाँ पे एप्लीकेशन वाला जो ऑप्शन दिया गया है उस पर क्लिक कर देता हूँ, मतलब ओपन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है। मुझे यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए उसके बाद में ओपन पे क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों, आप देख सकते हैं WazirX की एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मुझे अकाउंट क्रिएट करना होगा और अकाउंट क्रिएट करने के लिए ईमेल आईडी और एक पासवर्ड सेट करना होगा। सो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। दोस्तों, आप जो भी पासवर्ड सेट करेंगे उसको आपको नीचे वापस एंटर करके कंफर्म करना होगा। उसके बाद में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, नीचे की तरफ आपको एक कोड दिखाई दे रहा है, P52JW77U। इनकेस ये कोड यहाँ पे नहीं होता है तो आपको मैन्युअली ये कोड एंटर करना होगा। और उसके बाद में दोस्तों, नीचे साइन अप का ऑप्शन दिया गया, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों, आप देख सकते हैं आपका WazirX में अकाउंट क्रिएट हो चुका है, लेकिन इस अकाउंट को आपको वेरीफाई करना होगा और साथ ही साथ KYC भी करना होगा। तो दोस्तों, आप ये दोनों चीजें कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको P2P का ऑप्शन दिया गया है, INR का ऑप्शन दिया गया है, USDT का ऑप्शन दिया गया है,
WRX का ऑप्शन भी दिया गया है, BTC का ऑप्शन दिया गया है, और भी कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप जो भी कॉइन बाय करना चाहते हैं और किस हिसाब से बाय करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको INR में बाय करना है तो ऊपर INR सिलेक्ट करना है, USDT में बाय करना है तो वो सिलेक्ट करना है, WRX के हिसाब से बाय करना है तो वो सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑर्डर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। सो आप जो भी ऑर्डर प्लेस करेंगे वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज वेरीफाई योर अकाउंट टू एक्सेस योर ऑर्डर्स। सो सबसे पहले हमको अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला ऑप्शन है फंड्स, यहाँ से आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हमको हमारे अकाउंट को वेरीफाई करना होगा क्योंकि एकदम न्यूली क्रिएटेड अकाउंट है। तो सिंपली मैं यहाँ पे वेरीफाई अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है चेक योर इनबॉक्स फॉर वेरिफिकेशन मेल। सो दोस्तों आप जो भी ईमेल आईडी एंटर करेंगे उस ईमेल आईडी के ऊपर आपको WZRX की तरफ से एक मेल जाएगा और वहां से आपको ईमेल आईडी को वेरीफाई करने का ऑप्शन दिखाई देगा। वो कैसे दिखाई देगा मैं आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं मुझे यहां पे मेल आ चुका है, मुझे सिंपली क्या करना होगा वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा मेरा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ऑथेंटिकेटर, ऐप, मोबाइल SMS और नन। तो यहाँ पे आपको सिंपली मोबाइल SMS के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मैं आपको बता दूं आपको वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो इस अकाउंट के साथ आप रजिस्टर करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद सिंपली सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपने जो भी मोबाइल नंबर एंटर किया होगा उसके ऊपर आपको एक वन टाइम पासवर्ड मिल जाएगा, उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है और सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी, सिक्योरिटी सेटिंग्स अपडेटेड, और आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट योर कंट्री, कंट्री ऑलरेडी इंडिया सिलेक्टेड है। उसके बाद में टाइप ऑफ KYC, तो यहाँ पे पर्सनली रहने दीजिएगा। और उसके बाद में दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं विदाउट KYC। अगर आप इस अकाउंट को विदाउट KYC यूज करते हैं तो आप पैसे डिपॉजिट कर पाएंगे, ट्रेड भी कर पाएंगे, लेकिन पैसे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ P2P भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप KYC कर लेते हैं तो आप पैसे डिपॉजिट भी कर पाएंगे, ट्रेड भी कर पाएंगे, और दोस्तों ट्रेड करके आपने जो भी प्रॉफिट बनाया होगा इनकेस अगर आपको विड्रॉ करना है तो वो भी कर पाएंगे और P2P भी कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली क्लिक करना होगा कंप्लीट KYC के ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। उसके बाद में आपको अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। एड्रेस एंटर करने के बाद में आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपनी सिटी का नाम यहाँ पे एंटर करना होगा, पिन कोड नंबर एंटर करना होगा, और उसके बाद में दोस्तों आपको अपना पैन नंबर भी यहाँ पे एंटर करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में पैन नंबर को री एंटर करके फिर से कंफर्म करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपको अपने पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा, तो मैंने यहाँ पे फोटो ऑलरेडी खींच के रखा हुआ है तो सिंपली मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों नीचे एक ऑप्शन है डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप आधार कार्ड के डिटेल्स एंटर कर सकते हैं, पासपोर्ट के डिटेल एंटर कर सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के डिटेल एंटर कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आधार कार्ड नंबर एंटर कर देता हूँ और उस आधार कार्ड नंबर को मुझे फिर से यहाँ पे री एंटर करके कंफर्म करना होगा। और उसके बाद में आधार कार्ड के जो फ्रंट का फोटो होता है वो मुझे यहाँ पे अपलोड करना है। सो फोटो मैंने ऑलरेडी खींच के रखा है, मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। उसके बाद में आधार कार्ड के बैक का फोटो मुझे यहाँ पे अपलोड करना होगा। सो वो फोटो भी मेरे पास अवेलेबल है, उसको भी मैं अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आपको अपनी आखिरी डिटेल एंटर करनी है। आपको सिंपली क्या करना होगा, आपके आधार कार्ड को पकड़कर एक सेल्फी खींचनी है और उस सेल्फी को अपलोड करना होगा। सो यहाँ पे सेल्फी ऑलरेडी मेरे पास खींची हुई है तो मैं सिंपली उसको अपलोड कर देता हूँ। और उसके बाद में दोस्तों आप नीचे की तरफ देख सकते हैं लिखा हुआ है रेडी टू सबमिट योर एप्लीकेशन, प्लीज वेरीफाई द डिटेल्स यू आर सबमिटिंग, वंस सबमिटेड यू वॉन्ट बी एबल टू चेंज इट अनलेस यू कॉन्टेक्ट अस। मतलब दोस्तों अगर आपने ये सारी डिटेल सबमिट कर दी और इसमें अगर कुछ भी गड़बड़ है तो आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर पाएंगे, आपको इनको कॉन्टैक्ट करना होगा। सो आपको सिंपली क्या करना है, सारे डिटेल्स एंटर करने के बाद उसको एक बार रीचेक कर लेना है, सारी चीजें सही रहे, उसके बाद में आपको सबमिट फॉर वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ हो चुकी है, मैं उसको यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद में नीचे जाके सिंपली सबमिट फॉर वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है KYC डिटेल रिसीव। सो दोस्तों इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए हमने जो भी डिटेल्स एंटर किए थे, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए, वो सारे के सारे कंपनी के पास जा चुके हैं। उसके बाद में वो उसको रिव्यू करेंगे और मेरा KYC यहाँ पे हो जाएगा। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ही मिनटों में KYC का काम हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टर्न अराउंड टाइम है 2-3 business days का। सो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से बैक पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू WZRX, बाय योर फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी टुडे। और नीचे आप देख सकते हैं आपको कुछ कॉइन्स के ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप चाहें तो कोई भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे एक्सचेंज का ऑप्शन भी दिया गया है, यहाँ पर आपको मल्टीपल करेंसी मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप Shiba INU बाय करना चाहते हैं तो आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे चार्ट दिखाई देने लगेगा और मिडल में आप देख सकते हैं बाय और सेल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है।
जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से आप बाय कर सकते हैं और बाजू में सेल का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करके आप सेल भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको देखना है कितने ऑर्डर्स चल रहे हैं तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ट्रेड कैसे चल रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपके ऑर्डर्स देखने हैं तो उसके लिए आपको क्लिक करना होगा माय ऑर्डर्स के ऊपर, लेकिन अभी तक आपने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद में दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको पैसे डिपॉजिट करने या विड्रॉ करने हैं उसके लिए आपको क्लिक करना होता है फंड्स के ऊपर। सो जैसे ही आप फंड्स के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है वो अभी 0 रुपीज है, आपने कुछ भी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया है। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, डिपॉजिट करने के लिए नीचे डिपॉजिट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी, नीचे की तरफ आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, डिपॉजिट और विड्रॉ। तो आपको डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो इनमें से किसी भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके पैसे यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो सिंपली आपको विड्रॉ के ऊपर क्लिक करना होगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है योर केवाईसी इज बीइंग रिव्यू। सो दोस्तों इस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए केवाईसी हमने भेजा हुआ है रिव्यू करने के लिए। सो एक बार वहां से वो अप्रूवल हो जाएगा तो उसके बाद में आप यहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो दोस्तों इसी प्रकार आप वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और यहां से क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे मैंने कमाए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी वजीरेक्स में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और आप लोगों के लिए अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको बताया उसको फॉलो करना है, आपका भी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।